आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज के दिन की वो है 16 जनवरी के ईश्वरीय वरदान की। परमपिता परमात्मा आज के वरदान में हमें कहते हैं कि कैसे हम निरंतर और एकरस खुशी को मेंटेन करें। कौन नहीं चाहता कि हमारी खुशी हद सदा काट ले रहे, लेकिन जब हमारी खुशी डिपेंड हो जाती है, दैट मीन्स हमारी डिपेंडेंसी आ जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा काम करे तो मैं खुश हूं, ये मेरा कार्य पूरा हो जाए तो मैं खुश हूं, ये डिले ना हो तो मैं खुश हूं, या ये व्यक्ति मेरी बात मान जाए तो मैं खुश हो जाऊं, या मेरा ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, या मेरी सेहत थोड़ी चेंज हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, जहां हमने सारी कंडीशंस बाहर व्यक्तियों पर और सिचुएशंस, मतलब अपने बाहर, मतलब मैं आत्मा अगर हूं, मैं एक एनर्जी हूं, तो ये शरीर भी बाहर हो गया। अगर मेरी हैप्पीनेस मेरे शरीर की कंडीशन पर डिपेंडेंट है, या मेरे आसपास के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, या मेरे समाज के ऊपर डिपेंडेंट है, या मेरी गवर्नमेंट के डिसीजंस के ऊपर डिपेंडेंट है, या देश विदेश की खबरों के ऊपर डिपेंडेंट है, या दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट, या सर्दी गर्मी के ऊपर डिपेंडेंट है, इमेजिन कितनी सारी एनर्जी आपकी सैप हो रही है। और ये सारी चीजें आपकी एनर्जी को खींच के ड्रेन कर सकती हैं। ये थोड़ी सी हिली ऊपर नीचे, ठंड थोड़ी सी डिग्री ऊपर नीचे, बड़ा गर्मी थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, और आपका मूड ऊपर नीचे हुआ, आपकी हैप्पीनेस ऊपर नीचे हो गई। आजू बाजू वाले ने थोड़ा सा तेज बोल दिया, उसकी आवाज रात भर 12 बजे तक चलती रही, बाजू में गाना चलता रहा, आप सो नहीं पाए, आपकी खुशी गायब हो गई। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी जो 5 senses हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये 5 senses बाहर ढूंढ रही, दैट मींस हम आत्मा ने इनको बोला कि भैया आंखों से ढूंढो कहां खुशी मिल सकती है, किससे खुशी मिल सकती है, कौन सी अच्छी चीज दिख सकती है। कानों को हमने कहा है कि कुछ अच्छा सुनो अपने बारे में, कोई अच्छे गाने सुनो, कोई अच्छी चीजें सुनो, कोई अच्छी चीज सुनो, तब जाके तुम्हारी खुशी बढ़े। मुख ने बोला भाई कुछ अंदर अच्छा टेस्टी डालो ना, ताकि थोड़ी सी खुशी आए, थोड़ा मजा आए जीने का। कुछ अच्छी चीजें देखकर खरीद लो ताकि खुशी हो जाए। घर को कुछ चीजों से भर लो ताकि मेरी खुशी कहीं कम ना हो जाए। तो हमने इन सब सेंसेस को बोला हुआ है काम में लग जाओ, और ये सेंसेस हमारे कंट्रोल में है नहीं। ये सेंसेस जो हमें फीडबैक देती हैं, जो हमने इनको कमांड किया हुआ, वो ये हमें फीडबैक देती हैं। आंखें अच्छी अच्छी चीजें, रंग बिरंगी चीजें ढूंढ के ले आती हैं, चाहे वो मोबाइल फोन पे हो, चाहे आपके अमेजोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग में हो, वो फटाफट पकड़ लेती हैं, बिकॉज आपने कमांड दी हुई आंखों को कि बाहर ढूंढो खुशी कहाँ है, कोई चीज खरीदो ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। कानों को आपने बोला हुआ कहीं से अच्छा गीत सुन गया, आपको फोकस करना है पढ़ाई पे, आपको फोकस करना है मेडिटेशन पे, नहीं कुछ अच्छी चीज सुन गई, किसी ने कुछ कह दिया, कान वहां जाने शुरू हो गए, क्योंकि आपने कमांड किया हुआ कान को, कोई चटपटी बातें लेके आओ ना। और अगर कोई स्मेल आ गई अच्छी सी कुछ खाने पकने की, बस आज तो पकौड़े बनने चाहिए, क्यों बाजूवाले ने बनाए हुए। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो खुशी है वो सारी हमारे कर्मेंद्रियों को हमने कमांड करके रखी हुई है। परमात्मा कहते हैं अब इन कर्मेंद्रियों, ये 5 senses से तुम्हें हट करके मुझसे खुशी, मुझसे प्रेम, मुझसे शांति लेने की आदत डालनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, काफी सारे लोग कहते हैं मेडिटेशन करना मुश्किल है, लेकिन ये प्यार की बात है। जिस चीज से प्यार होती है या जिस व्यक्ति से प्यार होता है उसको याद करना मुश्किल नहीं होता है। आप किसी को याद करते हो वो भी एक मेडिटेशन है। किसी के बारे में आप 10 मिनट सोचते हो वो भी एक मेडिटेशन है। तो क्यों ना परमात्मा से प्यार हो, परमात्मा के बारे में सोचे तो वो भी मेडिटेशन है। लेकिन किसी और के व्यक्ति के बारे में सोचोगे तो वहां से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, एंड स्पेशली इन कलयुग सारी आत्माओं के अंदर नेगेटिव एनर्जी, तो आप हो सकता है उनसे नेगेटिव एनर्जी ड्रॉ कर लो। लेकिन अगर आप परमात्मा के बारे में 10 मिनट सोचते हो ना, तो उनसे आपको बहुत एनर्जी, बहुत शक्ति मिल सकती है, सोचना कभी। तो परमात्मा कहते हैं कि एकरस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एकरस, एक से ही रस लेना, एकरस मतलब एक से ही रस लेना और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। अगर हमारे इनसे रस लेंगे तो निरंतर खुशी नहीं रहेगी, बिकॉज कलयुग में कोई भी चीज ABCDEFZ तक कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। आपका कल का भी भविष्य स्टेबल नहीं है। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। दुनिया एक मेला है, और किसने क्या किया, किसने क्या बोला, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, बाजू वाले क्या कर रहे हैं, कौन क्या बना रहा है, कौन नहीं क्या बना रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, इन सारी चीजों में मत जाओ। नहीं तो ये झमेले कभी खत्म नहीं होंगे, आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं होगा। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते, मतलब हायर एनर्जी में नहीं झूल सकते। सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। एक रस, एक से रस लेना, आंखों से रस लेना, मुख से रस लेना, कान नाक से रस लेना, कानों से रस लेना, त्वचा से रस लेना, थोड़ा कम होता जाए।
बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखूट और बेहद का खजाना मिलता है। बाप मतलब पिता और दादा मतलब फर्स्ट सन ऑफ गॉड, हमारा फर्स्ट ब्रदर एडम, ब्रह्मा। तो परमात्मा कहते हैं बच्चों को अविनाशी अखूट और बेहद का खजाना मिलता है। ये कौन से खजाने हैं? ये एक्चुअली वो खजाने हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के खजाने हैं, जो कि आपको भी मिल सकते हैं अगर आप ब्रह्मा कुमारीज में आकर के सुन सकते हैं इन चीजों को। 1 घंटे का टाइम निकालना है आपको, ज्यादा नहीं, और पैसे नहीं लगते इसके, निःशुल्क है। फिर परमात्मा कहते हैं तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। मतलब फालतू बातें, फालतू चीजें सोचना, उसने क्या बोला, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उसने क्या करा, उस कंट्री ने ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको लीडर को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये पॉलिटिशियन ने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये बाजू वाले ने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मिनिस्टर ने ऐसे नहीं। स्टॉप 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 फुल स्टॉप बैक रिवर्स। किससे रस लेना है मुझे? एग्जैक्टली परमात्मा पिता से, उनके प्रकाश से मुझे रस लेना है और इन बातों में रस लेना है। तो आप फालतू बातों में नहीं जाएंगे, मन भटकेगा नहीं, शांत हैप्पी। फिर परमात्मा कहते हैं तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। याद करो आज परमात्मा ने मुझे सिखाया क्या, कहां सिखाते हैं? ये एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट बस पढ़ा जा रहा है ब्रह्मा कुमारीज के, 4 पेज के, छोटे छोटे होते हैं 4 पेजेस का, हमें हर दिन का एक आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है जिसको हम कहते हैं मुरली कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। उसमें से मैं छोटा सा एक स्क्रिप्ट बस पढ़ रहा हूँ जिसको कहते हैं वरदान, जो कि एंड में होता है। लेकिन अगर आप वो 4 पेजेस अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसलिए आप जाकर के सेम डिस्कोर्स करें और इसके ऊपर का जो पढ़ाया जाता है उसको समझें जाकर के, जो कि आपको सारी दुनिया के राज समझ आ जाएंगे, सारी नाटक के राज समझ आ जाएंगे, एंड सारी दुनिया में क्या चीज सोचनी, क्या चीज नहीं सोचनी, क्या सही क्या गलत है, वो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं संगम युग की विशेषता है अनुभव, एक्सपीरियंस। जो इंसान एक्सपीरियंस करता है, गिरता है उठता है, वही सबसे वैल्यूबल हीरा है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ, एक्सपीरियंस लो, हर चीज का एक्सपीरियंस लो। मतलब गंदी चीजें नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है कि ड्रग सिगरेट और गंदी चीजों में आदतों में जाना, वो चीजें तो आपने अगर कर ली है तो कर ली है, ठीक है। लेकिन अब एक नई जीवन का अनुभव करना, स्पिरिचुअल जीवन का अनुभव, जो कि बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कुछ मिस कर जाते हैं वो। तो इस स्पिरिचुअल जीवन, इस ज्ञान के साथ में आपने सिचुएशंस को कैसे फेस करना है, पहले क्रोध से करते थे अब शांति से करेंगे, पहले अहंकार से करते थे अब नम्रता से करेंगे, ये नम्रता का और ये शांति का एक्सपीरियंस कर लो कि वही सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं। इस एक्सपीरियंस की बात हो रही है, कैसे करते हैं आइए सीखिए। ब्रह्म कुमारी आपके लिए तैयार है, दरवाजे खुले हैं आपके लिए। ओम शांति।